I took a hit, and before me rise the fantastic towers of the New York, a city that seems to have the steeped from the pages of fairy story. मैं जब आगे देखूंगी, अब मैं सिर्फ मुझे फंटास्टिक टावर ऑफ न्यूयॉर्क देखना, सिटी दैट सीम्स टू हैव स्टीव्ड फ्रॉम द पेजेस ऑफ फैरी स्टोरी, परी कथा में मैंने देखा था, सुना था, मैं ऐसा सोच रही हूँ. व्हाट एन आ इंस्पायरिंग साइट, इंस्पायरिंग साइट, दिस ग्लिटरिंग स्पायर्स, दिस वास्ट बैंक्स ऑफ द स्टोन एंड स्टील स्ट्रक्चर सच एज द गॉड्स माइट बिल्ट फॉर देमसेल्व्स. नाउ आई बिगिन माई राउंड्स ऑफ द सिटी. अब मेरा सिटी का राउंड शुरू हो गया है. फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर मेयरली लुकिंग एट पीपल ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर लाइव्स. मुझे ऐसी जगह देखना पड़ेगी जहाँ से मैं उन सबकी एक्टिविटीज देख पाऊँ. और आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपनसेट. अब मैंने अपने एक बिजी कॉर्नर में मैंने अपने आप को खड़ा कर लिया है और मैं देखने का प्रयास कर रही हूँ कि वो जो लोग हैं वो अपना जीवन कैसे जीते हैं. आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, मैं मुस्कुराहट देखती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ. मैं आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, एंड आई एम प्राउड. जब मैं सीरियस गंभीर डिटर्मिनेशन लक्ष्य के प्रति दृष्टिकोण देखती हूँ तो मुझे प्राउड होता है. आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपनसेट, और जब मैं पीड़ा देखती हूँ लोगों की तो मुझे सहानुभूति होती है. माई थर्ड डे ऑफ द साइट ऑफ साइट इज ड्राइंग टू एन एंड. अब मेरा तीसरा दिन आ गया और ये अंत की ओर ले जाता है. परहैप्स देर आर मेनी सीरियस परस्यूट्स टू विच आई शुड डिवोट द फ्यू रिमेनिंग अवर्स, बट आई एम अफ्रेड ऑन द इवनिंग ऑफ दैट लास्ट डे आई शुड अगेन रन अवे टू द थिएटर टू हिलेरियसली फनी प्ले सो दैट आई माइट अप्रिशिएट द ओवरचर्स ऑफ कॉमेडी एंड द ह्यूमन स्पिरिट. मुझे मालूम है कि मेरा थर्ड जो दिन है वो पूरा होने वाला है. परहैप्स दे आर मेनी सीरियस परसूट्स, बहुत सारी गंभीरता भरी चीज़ें मैंने देखी है, पर मेरे लास्ट आवर्स जो मेरे बचेंगे दिन के, थर्ड डे के, मैं अब डर रही हूँ. और इवनिंग ऑफ दैट लास्ट डे मैं डरी हुई हूँ, बट मैं वापस से दौड़ के थिएटर की तरफ जाना चाहती हूँ और मैं वो हिलेरियसली फनी प्ले देखना चाहती हूँ ताकि मैं अप्रिशिएट कर सकूँ कि कॉमेडी ने जो हंसी मजाक और जोक्स जो थे उन्होंने किस तरीके से ह्यूमन स्पिरिट को जिंदा रखा हुआ है. एट मिडनाइट माय टेम्पररी रिस्पाइट फ्रॉम ब्लाइंडनेस वुड सीज एंड परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन. मध्य रात्रि में अब मेरा जो टेम्पररी रिस्पाइट फ्रॉम ब्लाइंडनेस, अब मैं वापस से जो है मेरी जो अंधत्व जो है वो मुझे वापस से पकड़ लेगा और परमानेंट अंधकार मेरे जीवन में आ जाएगा. नेचुरली इन दोज थ्री डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी. बिल्कुल सही है कि मैंने इन तीन दिनों में जो कुछ मैं देखना चाहती थी वो मैं पूरा नहीं देख पाई. ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन. वो डार्कनेस ही मुझे बताएगी कि मैंने कितना देखना जो मुझे था वो छोड़ दिया, अनदेखा कितना रह गया. नाउ आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु सी, वन एडमोनिशन टू दोज हु वुड मेक फुल यूज ऑफ द गिफ्ट ऑफ साइट. यूज यूर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्राइगन ब्लाइंड. मैं उन लोगों को मशविरा देना चाहूँगी और हिंट देना चाहूँगी कि सपोज करें वो अपनी सारी इंद्रियों का, आँखों का बहुत अच्छे से उपयोग करे, ये सोचे कि किसी दिन अगर वो अंधे हो गए तो क्या होगा. एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू द अदर सेंसेस, और यही तरीका वो दूसरी सेंसेस इंद्रियों के साथ भी अपनाए. हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइसेस द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड एंड माइटी स्ट्रेल ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा एज इफ यू वुड बी स्ट्राइक एंड डीफ टुमारो. आप पक्षी की चहचहाट, संगीत और ऑर्केस्ट्रा सभी को सुने, उसका आनंद ले, क्या पता अब कल बहरे हो जाओ तो. टच इच ऑब्जेक्ट यू वेंट
want to touch, as if tomorrow you tactile sense would fail. इस हर चीज को स्पर्श करें और इस स्पर्श का आनंद लें. क्या पता कल आप में वो टैक्टाइल जो है सेंसेस नर्व सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाए और आप में वो सेंस बचे ही नहीं. स्मेल द परफ्यूम्स ऑफ द फ्लावर टेस्ट विद द रैलिस इच मोर्सल्स एज इफ टुमारो यू वुड कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन. परफ्यूम फ्लावर का परफ्यूम उसकी सुगंध आप लें और हर कोर ऐसे खाएं कि उसका आनंद लें. क्या पता कल आप न तो खा पाए न सुन पाए. मेक द मोस्ट ऑफ द एवरी सेंस ग्लोरी इन ऑल द फैसेट्स ऑफ द प्लेजर एंड द ब्यूटी इन विच द वर्ल्ड रिवेल्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ द कॉन्टेक्ट विच नेचर प्रोवाइड्स. बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल. सारी सेंसेस हमारे पास फाइव सेंस ऑर्गन्स है परंतु उसमें से जो आँखें हैं वो सबसे डिलाइटफुल है, सबसे आनंद देने वाली है. थैंक यू वेरी मच.